नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाइवर्सिटी चैनल पर। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज लेटेस्ट अपडेट के साथ में इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे 67 या 867 की चयन सूची की सुनवाई को लेकर। जैसा कि दोस्तों सुबह के वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया गया था कि आज की तारीख में 67 या 867 की सुनवाई का मामला लिस्टेड है, जहाँ पर इस चयन सूची के अंदर आरक्षण नियमों को सही तरीके से फॉलो करने की जो मांग है वो की गई है। ऐसे में इसके बारे में लगातार कई बार मामला लिस्टेड हुआ है, ऐसे में अभ्यर्थी की तरफ से मामले को स्टेड भी करवा लिया गया था। 40वें नंबर पे ये मामला लगा हुआ था, जिसके बारे में मैंने कल भी आप सभी को बताया था कि लगभग 2 बजे के आसपास सुनवाई होने की संभावना है, 2 या 3 बजे के आसपास मान कर के चलिए। तो ऐसे में जैसा कि दोस्तों आप सभी को 2 या 3 बताया गया था, उसी के आधार पर आज 1 बजे के बाद से जजेस जो है नहीं बैठे, तो इस वजह से इस मुद्दे की आज जो सुनवाई है वो नहीं हो पाई है। तो ऐसे में जो भी अभ्यर्थी 67 या 867 या फिर MRC मुद्दे को लेकर पूछते हुए दिखाई दे रहे थे, इसकी जो सुनवाई है वो आज नहीं हुई है। अब जो इसकी तारीख होगी वो उम्मीद है या तो दिवाली के बाद लगेगी या फिर इससे पहले अर्जेंसी फाइल की जाती है, तो जो भी जानकारी निकलेगी आप सभी को बता दी जाएगी। लेकिन इन शॉर्ट ये है कि आज की सुनवाई इसकी नहीं हो पाई है, रीजन जो था मैंने आप सभी के सामने बता दिया है। लेकिन दूसरी तरफ अभ्यर्थी कहीं ना कहीं कट ऑफ मुद्दे के ऑर्डर को लेकर परेशान है। जिन अभ्यर्थी ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, साथ में शेयर भी कर दिया करें। तो जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को दिखाया था कि मिसलिनियस कॉजिस्ट के अंदर सप्लीमेंट्री कॉजिस्ट जारी हो गई है 6/11/2020 की, इसके अंदर कट ऑफ मुद्दे का ऑर्डर नहीं है, मतलब ललित सर की जो बेंच जारी हुई है उसके अंदर नहीं है, और भी जजेस की हुई है लेकिन अभी तक मोहन सर की कॉजिस्ट का आने का इंतजार है। मैंने ये भी कहा था कि रात 8 बजे तक आप लोग इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि कई बार जो कॉजिस्ट है वो देर में भी जारी होती हैं। लेकिन ऐसे में चैम्बर के अंदर एक और सप्लीमेंट्री कॉजिस्ट जारी हुई है, लेकिन दुर्भाग्यवश इसके अंदर भी 69,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा नहीं है, जैसा कि दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। मैंने कहा था कि अभी और भी सप्लीमेंट्री कॉजिस्ट हैं आना बाकी हैं। तो ऐसे में दोस्तों अगर बात करें जस्टिस दूसरे हैं जिनकी तरफ से यहाँ पे इस ऑर्डर को सुनाया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जिस ऑर्डर का इंतजार किया जा रहा है कट ऑफ मुद्दे के ऑर्डर का, उसको लेकर कहीं ना कहीं अभी संशय बना हुआ है। उम्मीद रखिए जो भी जानकारी होगी आप सभी के सामने रखी जाएगी। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है कि जजेस की तरफ से अगला हफ्ता कहा गया था अगले हफ्ते के अंदर ऑर्डर नहीं आता है, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कई बार जो जानकारियां निकल कर के आती हैं उसके आधार पर आप सभी के सामने रख दिया जाता है, लेकिन जब जजेस स्वयं एक हफ्ता कहकर ऑर्डर को आगे कर देते हैं तो इससे थोड़ा सा अभ्यर्थियों के लिए मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में जो भी लेटेस्ट अपडेट निकली लगातार आप सभी को ऑनलाइन डाइवर्सिटी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।